बेटा शुरू हो जाते हैं अब फिर से। मित्रों, हमारा जो पहला टॉपिक जहां पांच किस्नों का समाप्त हुआ, जिसमें हमने प्रश्न बहुत सारे देखे थे, आज हमारा जो टॉपिक है अगला वो है शब्द रूप। शब्द रूप के लिए हमें क्या चाहिएंगे? नंबर एक, सुबंध प्रत्यय। दूसरा हमें क्या चाहिएगा? कारक विभक्ति। और तीसरा हमें चाहिएगा वचन। इन तीनों का अशोक, गुड मॉर्निंग बेटा। अब सबसे बड़ा ये देखिएगा, ये तीन चीजें हमें शब्द रूप में विशेष चाहिएंगी। तो सुबंध प्रत्यय कितने थे? 21। कारक विभक्ति कितनी है? 7। वचन कितने हैं? 3। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमने, याद हो तो आपको, सु ओ जस अम ओ सस ताभ्याम भिस नेभ्याम भिस, ये हमने लिखे थे। अब हमें शब्द को पद में बदलना है। एग्जामिनर कैसे पूछेगा वो भी ध्यान दें। मित्रों, हम लेके चल रहे हैं शब्द रूप। .99% बच्चों की समस्या है कि शब्द रूप याद कैसे किए जाएं, लिख करके याद किए जाएं, गा करके याद किए जाएं, बोल करके याद किए जाएं। तो आइए मित्रों, सबसे पहले व्यवस्था को पहले याद करके फिर किया जाए। सबसे पहले हम वहाँ लिखें कोई शब्द। आइए सबसे पहले हम एक शब्द लिखते हैं। सबसे पहले हमारे आता है राम शब्द। राम शब्द को याद कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले बात करो आप कारक विभक्ति की। कारक विभक्ति कितनी होंगी? नंबर एक, प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति। ठीक है, इसके बाद में हम कार्य लिखेंगे हम वचन। तो वचन में सबसे पहले हमारा आया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और फिर हम लिखेंगे सुबंत प्रत्यय से कौन कौन से बने हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है राम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन राम है। रामौ रामः, तो कौन सा सुबंत लगा है? सु लगा है। द्विवचन में औ और बहुवचन में जस। आगे हम बात करें रामम रामौ रामान, अम आउट सस, फिर रामेण रामाभ्याम रामई टा भ्याम
भेस। रामाय रामाभ्याम रामेभ्य णे भ्याम भ्यास। फिर आया हमारे पास रामात रामाभ्याम रामेभ्य अणसी भ्याम भ्यास। फिर आया हमारे पास रामस्य रामयो रामाणाम अणस ओस आम। और रामे रामयो रामेशु णी ओस सुप। हमारी विभक्ति को से लेके चले तो विभक्तियों में यहां हुआ अब का साहब राम शब्द एक संज्ञा शब्द है यानी किसी का नाम है। और नाम को जब हम नाम के लिए हम बात करें तो प्रथमा विभक्ति कर्ता में चलता है तो राम एक कर्ता है। ऐसी स्थिति में इसका संबोधन होगा और जब संबोधन में जाएंगे तो हे राम हे रामौ और हे रामा। इस तरह से संबोधन बनेगा तो एक बार देखें आप और फिर शुरू करते हैं इस राम शब्द को। सबसे पहले हमें शब्द रूप में क्या रखना होगा ध्यान रखना होगा कि कारक विभक्ति सात होती हैं। प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। और यदि शब्द यदि कोई संज्ञा है तो उसका क्या होगा संबोधन भी होगा। फिर हमें ध्यान रखना है कि हम पहले भी बात कर चुके थे जब हमने इनके बारे में बात की थी तो राम ने इस विसर्ग के यहाँ पर क्या अर्थ हुआ राम को राम से राम के लिए राम से अलग राम का और राम पर। इस तरह से हिंदी अर्थ भी हमें ध्यान रखना होगा। अब प्रश्न है कि शब्द रूप तो बहुत सारे हैं याद कैसे करें तो संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक भाषा होने की वजह से जब तक आप गुनगुनाओगे नहीं याद नहीं होगा। जी हाँ क्योंकि बहिर्मुखी भाषा होने की वजह से इसे गाना ही होता है तो जब तक गाओगे नहीं तब तक आएगा कहाँ से। तो आइएगा हम कोशिश करें लय के साथ में क्योंकि यदि आप चले गए आपका सिलेक्शन हुआ होगा ही आपका सिलेक्शन हुआ आप प्राइमरी सेक्शन में चले गए छठवीं क्लास में आपको संस्कृत दे दिया जैसा कि प्राइमरी लेवल को सिक्स स्टैंडर्ड की क्लास दी जाती है। वहीं जो दी सेकेंड लेवल जो है उसे नाइन टेंथ की क्लास भी दी जाती है। तो ऐसी अवस्था में यदि बच्चे के लिए छठवीं क्लास में तो ये बिल्कुल नया है पाँचवीं क्लास से तो उसके संस्कृत थी ही नहीं। अब आपको क्या करना था उस बच्चे को याद करवाना है तो याद तो आप तब करवाओगे ना जब याद आपके होगा। और यदि आप पौराणिक तरीके से ही अब तक चलते रहे तो बच्चा प्राय प्राथमिक का है। ध्यान रखिएगा कालांश पांचवा आता है अधिकांशतः गवर्नमेंट स्कूलों में संस्कृत का। ऐसी स्थिति में यदि आपके द्वारा एक केवल वेशभूषा से अपने आप को संस्कृत का टीचर दिखाया तो बच्चा नहीं समझ पाएगा
वो रटना शुरू कर देता है। आज भी बच्चा जो है घबराता है, CBSE वाला बच्चा तो घबराता ही है संस्कृत से, वो हिंदी से भी घबराता है। और यहाँ राजस्थान में भी हम जो बात करें, संस्कृत से बच्चा घबराता इसलिए है 6, 7, 8 का, क्योंकि नंबर तो अच्छे आते हैं लेकिन याद नहीं होता, इसलिए वो 10th क्लास में छोड़ करके 11th क्लास में कोई संस्कृत के अलावा कोई और सब्जेक्ट लेता है। जबकि 10th क्लास में सर्वाधिक नंबर मैथ साइंस इंग्लिश से भी अधिक नंबर संस्कृत में आए थे, फिर भी नहीं लेता है। उसका मेन कारण है याद करने का तरीका सही नहीं होना। आइए मित्रों, आपको भी एक तरीका सिखाऊं। आप इस समय प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट और मैं प्राइमरी का टीचर, अब आपको मुझे याद करवाना है तो आपको एक काम करना होगा, पहले ढंग से सुनना होगा, क्योंकि सबसे पहले श्रवण कौशल होगा होता है, फिर उसके बाद में भाषण कौशल, फिर आपका पठन कौशल और फिर लेखन। तो जब तक आप सुनेंगे ही नहीं सही तरीके से, तब तक आप उत्तर कैसे देंगे, भाषण कैसे करेंगे? तो पहले गौर से सुनो। राम है रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामै तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी। हे राम, हे रामौ, हे रामाः संबोधनम्। आपने सुना, फिर बच्चे को सुनाए, पहले खुद सुने फिर याद हो जाए तब सुनाए सबको, कोशिश करें। अब और आपको जो है जोश के साथ याद दिलाऊं तो फिर कोशिश करें। राम है रामौ रामः प्रथमा, ओए होए, रामम रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामै तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी। एक बार और गुनगुनाए। रामः रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामै तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी। हे राम, हे रामौ, हे रामः संबोधनम्। आपके इस लयबद्ध गाने से होगा क्या, सबसे बड़ा है एक तो आपके खुद के याद होगा, क्यों हमने गाया रामः ना कि रामे रामो रामा, तो हमारा एक तो उच्चारण राइट, तो हमारा एग्जाम हॉल में आने वाले विसर्ग हलंतिस की हमारी गलतियां नहीं होंगी। दूसरा, जब हमारा सिलेक्शन होगा, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आप वहाँ कक्षा कक्ष में इस तरह से, क्योंकि आने वाला जो दौर आप जब सेलेक्ट होकर के गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, तब तक हमारी तरह ही आपके भी वहाँ ऐसी स्क्रीन लगी हुई होगी, और ऐसी स्थिति में आपको वहाँ जब पढ़ा रहे होंगे तो वो टेलीकास्ट होगा, तो आपका जो उच्चारण जितना साफ होगा उतना ही आपके प्रोफेशन काल में बहुत अच्छा जो है आपका जाएगा, और साथ में ही आपका जो रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर बनता चला जाएगा। यही कारण है कि आज जो है संस्कृत को यदि आप सही ढंग से गाएं तो निश्चित रूप से याद होता है। फिर से कोशिश करके देखें एक बार। रामः रामौ रामः प्रथमा, ओए होए, रामम रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामै तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी,
रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी। हे राम, हे रामाओ, हे रामाः संबोधनम। और बेटा विनय, आशा और अशोक, और आप चैटिंग कर भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चे देख भी रहे हैं, उन सभी को ही मैं ढेरों शुभकामना दूंगा। आप लगातार इसे याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ये याद होंगे भी। अब हम बात करते हैं इसी को लेकर के कि क्या अन्य शब्द रूप भी ऐसे गाए जा सकते हैं कि नहीं गाए जा सकते। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम देखेंगे तो हमें वो क्लियर होते चले जाएंगे। हम यहाँ से इसे भी हटा दें क्योंकि राम शब्द का कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल, तो हम अब और में जाएंगे तो हमारे पास अब अगला आता है रमा शब्द। रमा कहा गया, अंत में आ है तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो राम क्या था? राम जो शब्द था वो अकारांत पुल्लिंग था। तो बिल्कुल दिमाग लगा के चले, देखते हुए चले और देखते चले। रमा रमी रमा प्रथमा रमा रमी रमा द्वितीया रमया रमाभ्याम रमाभी तृतीया रमायै रमाभ्याम। रमाभ्या चतुर्थी रमायः रमाभ्याम रमाभ्या पंचमी रमाया रमयो रमाणाम षष्ठी रमायाम रमयो रमासु सप्तमी। हे रमे हे रमा संबोधनम। शब्द को देखें, आकारांत है रमा शब्द। गुनगुनाना शुरू करेंगे तभी जाकर के याद भी होगा। रमा रमे रमा प्रथमा, धुन चेंज हो गई, राम की तरह नहीं आएगी। क्यों? गाना बदला तो धुन भी बदलेगी। रमाम रमे रमा द्वितीया रमया रमाभ्याम रमाभी तृतीया रमायै रमाभ्याम रमाभ्या चतुर्थी रमायः रमाभ्याम रमाभ्या पंचमी रमायः रमयो रमाणाम षष्ठी रमायाम रमयो रमासु सप्तमी। हे रमे हे रमाः संबोधन। एक बार आपके दिमाग में गया, दूसरी बार फिर गुनगुनाओ। रमा रमे रमाः प्रथमा
रमाम रमे रमः द्वितीया रमया रमाभ्याम रमाभी तृतीया रमायै रमाभ्याम रमाभ्या चतुर्थी रमायः रमाभ्याम रमाभ्या पंचमी रमायः रमयो रमाणां षष्ठी रमायां रमयो रमासु सप्तमी हे रमे हे रमः संबोधनम् रमा रमे रमः प्रथमा रमाम रमे रमः द्वितीया रमया रमाभ्याम रमाभी तृतीया रमायै रमाभ्याम रमाभ्या चतुर्थी रमायः रमाभ्याम रमाभ्या पंचमी रमायः रमयो रमाणां षष्ठी रमायां रमयो रमासु सप्तमी हे रमे हे रमः संबोधनम् आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बाला शब्द है आपका लता शब्द है आपका देवता शब्द है आपका ये स्त्रीलिंग शब्द आकारांत हैं और इन्हें रमा की तरह ही चलाना होगा हमें तो फिर से एक बार रमा शब्द याद कर लें रमा रमे रमः प्रथमा रमाम रमे रमः द्वितीया रमया रमाभ्याम रमाभी तृतीया रमायै रमाभ्याम रमाभ्या चतुर्थी रमायः रमाभ्याम रमाभ्या पंचमी रमायः रमयो रमाणां षष्ठी रमायां रमयो रमासु सप्तमी और फिर संबोधन में क्या करना है हे रमे हे रमः संबोधनम और इस तरह से आप गुनगुनाते हुए बड़े सहजता से इन्हें याद कर जाएंगे बस हल्का सा मुस्कुराते आनंद लेते हुए करते चले जाएं आनंद ही आनंद आएगा और संस्कृत यूं याद हो जाएगी जैसे कोई गीत गाया हो आप लोगों ने और इसी के आगे बढ़ते हैं इसी को आगे लेकर के क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें ज्ञात भी नहीं होगा इसको और हमारे पास अब जो है थोड़ा सा ध्यान रखते चले जाओ कहाँ हमें ध्यान रखना है अब जरा सा बात करें हम ऐसी स्थिति में बालक शब्द पे बालक शब्द है ये भी कैसे शब्द है अकारांत है और पुल्लिंग शब्द है तो कैसे तैयार करेंगे इसे आप राम शब्द याद हो गए हैं तो उसके आकरण चलाओ बालक है बालकाओ बालका प्रथमा राम है रामौ रामः प्रथमा बालकम बालकौ बालकान द्वितीया हो गया अब यहां अंतर आएगा बालकेन बालकाभ्याम बालकै तृतीया बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य चतुर्थी
बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य पंचमी बालकस्य बालकयो बालकानां यहां ध्यान रखो बालकानां फिर बालके बालकयो बालकेशु और यहां संबोधन में हे बालक हे बालकौ हे बालकः संबोधनम बालकः संबोधनम। तो कंटिन्यू बने रहें, लगातार देखते रहें और आप समझते जाएं। गाना होगा, क्योंकि गाना भी होगा तो वो भी क्लास के अंदर यूँ समझ रहा हूँ मैं, आपको चिल्लाना नहीं है, आपको गाना है। बाल कहे बालकौ बालकः प्रथमा बालकम बालकौ बालकान द्वितीया बालकेन बालकाभ्याम बालकै तृतीया बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या चतुर्थी बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्या पंचमी बालकस्य बालकयो बालकानां षष्ठी बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी। हे बालक हे बालको हे बालकः संबोधनम बालकः बालकौ बालकः प्रथमा बालकं बालकौ बालकान द्वितीया बालकेन बालकाभ्यां बालकै तृतीया बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्या चतुर्थी बालकात बालकाभ्यां बालकेभ्या पंचमी बालकस्य बालकयो बालकानां षष्ठी बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी। हे बालक हे बालकौ हे बालकः संबोधनम। इस तरह से मित्रों हम बालक शब्द है राम शब्द है इन्हें याद कर सकते हैं, लेकिन यदि हम यूं कहें कि लिख लिख के याद हो तो बेटा ये लिख करके याद नहीं, ये गा करके याद होती है, भाषा ही कुछ ऐसी है और इसीलिए इसे क्लासिकल भाषा भी कहा गया है, ऑथेंटिक भाषा कहा है। नासा के द्वारा इसे क्लासिक लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया है। नासा अंतरिक्ष में यात्रियों को जाने से पहले कम से कम 15 दिन पहले उन्हें संस्कृत का ही नॉलेज दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अंतरिक्ष की भाषा संस्कृत है, अपितु जो मैसेज जो जाते हैं वो उसके लिए केवल एक सटीक भाषा जो है वो केवल कौन सी है, संस्कृत है। इसीलिए वराहमिहिर क्षपणक शंकु इनके और आर्यभट्ट के नियम नासा से जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को ये संस्कृत भाषा का नॉलेज दिया जाता है। मैं आपको फिर बता दूँ कि अधिकांश विश्व की जो देश हैं उन्होंने पहले से ही काफ़ी संस्कृत का अपने यहाँ शुरुआत कर दिया था। जब से कोरोना काल आया है तब से संस्कृत का और भी उन्होंने बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्हें समझ में आने लग गया है कि अपने आप के विचारों को और अपने स्थिति को समझने के लिए केवल एक ही भाषा समझा सकती है जिसका नाम है संस्कृत। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू बने रहें, आपको सिलेक्शन लेना है। तो ऐसी स्थिति में जब तक गाएंगे नहीं तब तक हमें याद रहेगा भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमें याद करते हुए आगे चलना है। आइए अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले की। छोटे छोटे जो रूप हैं उनको जरा सा याद करते चले जाएं, निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएंगे। फिर हमारे यहां से क्या हटा दें, इसको बालक को हटाओ ताकि हम नया शब्द ला सकें। ये लीजिए, अब हमारे पास कुछ है, इन्हें हटा दें और
ये भी हटा दो, बिंदियां हटा, एक्स्ट्रा सब हटा करके अब हमारा आगे वाला शुरू करते हैं। अगला लेते हैं हम लता शब्द। लता शब्द है ये आकारांत है। आकारांत होगा तो कहां गया ये, स्त्रीलिंग में। तो बात वही करते हैं जैसा कि हमने शुरू किया था, रमा शब्द की तरह ही इसे चले। नहीं आया बेटा, उसका कारण क्या है, या तो आपने क्लास नहीं ली, क्योंकि या तो ये बेटा ये सुबंध जो है हमारे पास, आप जो हिंदी में लगाते हैं कर्ता ने, तो आपने लगाया राम कर्ता था, ने के लिए क्या लगाया विसर्ग, तो ये विसर्ग किसका था, सु का। दो रामों ने, अब दो रामों ने की संस्कृत क्या बनाओगे, ने अर्थ में प्रथमा विभक्ति, तो दो रामों के द्विवचन रामौ, तो औ कहां से आया, ये रा औ। और बहुत से रामों ने, बहुत से रामों ने ऐसा कहा, तो ने वही प्रथमा का लिया, लेकिन बहुत से हो गए तो उस जस में से क्या रहेगा, रामा। इतने में ही आपका इतना बड़ा संस्कृत का क्लियर हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा का सब, ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल बना के ध्यान रखना होगा, इसलिए शब्द रूप याद करने बहुत जरूरी है, नहीं तो हम विभक्ति लिंग धातु में कुछ भी नहीं कर पाएंगे का सब। ऐसी स्थिति में हम लता शब्द में चले, लता लते लता प्रथमा लताम लते लता द्वितीया लतया लताभ्याम लताभि तृतीया लतायै लताभ्याम लताभ्या चतुर्थी लताया लताभ्याम लताभ्या पंचमी लताया लतयो लतानाम षष्ठी लतायाम लतयो लतासु सप्तमी। हे लता हे लते हे लता संबोधनम, हे लते है ना, यहां भी आपको हे लते ही करना है, ध्यान रखो, क्योंकि रमा शब्द की तरह चलेगा तो हे लते। तो अब जरा सा इसको और ढंग समझो, रमा की तरह चल रहा है, काम करें, लता लते लता प्रथमा लताम लते लता द्वितीया लतया लताभ्याम लताभि तृतीया लतायै लताभ्याम लताभ्या चतुर्थी लतायः लताभ्याम लताभ्या पंचमी लताया लतयो लतानाम षष्ठी लतायाम लतयो लतासु सप्तमी। हे लते हे लताः संबोधनम्, लता लते लताः प्रथमा
लताम लते लता द्वितीया लतया लताभ्याम लता भी तृतीया लतायै लताभ्याम लताभ्या चतुर्थी लतायाः लताभ्याम लताभ्या पंचमी लताया लतयो लतानां षष्ठी लतायां लतयो लतासु सप्तमी हे लते हे लताः संबोधनम्। इस तरह से आपको ये शब्द रूप याद करने हैं। प्रश्न कैसे आएगा उस पर भी हम बात करेंगे, कैसे आ चुका है उसके लिए भी हो गया, क्योंकि कहाँ कैसे कब प्रश्न पूछेगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमें ये शब्द रूप याद रखने होंगे। याद नहीं करेंगे आप ये शब्द रूप, हाँ मुझे पता है स्कूल टाइम पे बहुत मुश्किल से याद होता, लेकिन उस समय इतना नहीं पता था आपको विनय कि कल को जब भविष्य आपका होगा, आपको अपना भविष्य बनाना होगा, तब ये फिर से याद करने होंगे। और आज वही समय वही दौर फिर से आ गया है आपके सामने कि जो है स्कूल टाइम में विनय बहुत मुश्किलों से याद हुए थे, लेकिन अब मेरे हिसाब से मेरे साथ यदि गुनगुनाते रहे तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उस समय हो सकता है बाल्यावस्था थी, क्योंकि कक्षा 6 में ही ये गुनगुनाए थे आपने, और ऐसी स्थिति में केवल कॉपी में लिखना था उस समय, पेपर वाई फाइट करना था, लेकिन अब लाइफ का सवाल है, और तो लाइफ का सवाल है तो ऐसी स्थिति में हलंत विसर का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें गोले भर के आने हैं, वहाँ लिख के नहीं आना है। तो ऐसी स्थिति में आगे बढ़ जाएं हम। लता शब्द के बाद में हमारे सामने एक और आते हैं शब्द को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले। चलिए अब बात करें हम फिर से एक बार, नया शब्द लें। नया शब्द हमने लिया गुरु शब्द, गुरु शब्द लिया। गुरु में ऊ है छोटा, तो उकारांत पुल्लिंग, ठीक है, उकारांत पुल्लिंग है। हाँ अशोक बहुत बढ़िया बेटा, अब इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। कहते हैं जब इंसान अपने कैरियर के लिए सोचने शुरू कर देता है, सफलता आधी से अधिक वहीं मिलना शुरू हो जाता है। और आप लोगों ने अपनी सफलता के लिए जुड़े हुए हैं चैनल से, तो निश्चित रूप से बड़ा सफलता मिलेगी। बस कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो वर्किंग इतनी अधिक करता है कि कभी शांत रहता ही नहीं है, तो हमें उसे रेस्ट देने की आदत होती है। तो ऐसी सोने पर रेस्ट नहीं मिलता, इसे रिकॉलिंग पर रेस्ट मिलता है। तो जितना आप रिकॉलिंग करोगे आपको आनंद आएगा, और आनंद आया तो दिमाग को रेस्ट आता है। तो ऐसी स्थिति में आइए बात करें गुरु शब्द। तो बेटा इसमें भी देखो, गुरु गुरु गुरुवे प्रथमा गुरुम गुरु गुरु ने द्वितीया गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी तृतीया गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्या चतुर्थी गुरुः गुरुभ्याम गुरुभ्या पंचमी गुरो गुरवो गुरुणां षष्ठी गुराव गुरवो
गुरु सु सप्तमी। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः। संबोधनम। अब जरा सा इसको क्लियर करके चलो। गुरु शब्द है उकारांत और नया गाने की तरह याद रखो कि नया गाना है। अब इस नए गाने को आप कैसे गाएंगे वो भी शुरू करते हैं हम लोग। जरा सा क्लियर करके देखो, आपने गुरु शब्द को कैसे गाएंगे पहले सुने, पहले ये ध्यान देखें कहाँ तेज बोलना और कहाँ धीरे। देखिए मित्रों, यहाँ लघु र है, रु है, यहाँ भी लघु है, यहाँ भी लघु रु है, देखते जाओ। लेकिन इसमें और इसमें और यहाँ देखिए, रू में उ की बड़ी मात्रा है, यहाँ में भी रू की और बड़ी मात्रा है, यहाँ भी रू में बड़ी उ की मात्रा है, घुंडी के साथ होगी तो ही बड़ी होती है। अब कहा साहब इसे कैसे गाएं? तो गुरु गुरु गुरुवा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा तो केवल कॉपी में लिखना हो तो काम चल जाए, वहाँ ध्यान रखना होगा। चलिए हम गा के देखते हैं, स्वयं आ जाएगा याद करना। पहले सुने, क्योंकि आप क्या है मेरे साथ गाने की कोशिश करेंगे और गाएं अभी नहीं, जब मैं दूसरी बार गाना शुरू करूं तब गाना। गुरु गुरु गुरुवै प्रथमा, गुरु गुरु गुरुवै प्रथमा, गुरु गुरु गुरुवै प्रथमा, गुरुम गुरु गुरुन द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी तृतीया। सब छोटे हैं। गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्या चतुर्थी, गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्या पंचमी, गुरु गुरुवो गुरुणाम षष्ठी। यहाँ रू बड़ा है। गुरव गुरुवो गुरुसु सप्तमी। हे गुरु, हे हे गुरु, हे गुरुवः संबोधनम। फिर से कोशिश करते हैं। गुरु गुरु गुरुवै प्रथमा, गुरुम गुरु गुरुन द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी तृतीया, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्या चतुर्थी, गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्या पंचमी, गुरु गुरुवो गुरुणाम षष्ठी, गुराव गुरुवो गुरुसु सप्तमी। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः संबोधनम। गुरु गुरु गुरुवै प्रथमा, गुरुम गुरु गुरुन द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी तृतीया, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्या चतुर्थी, गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्या पंचमी, गुरु गुरुवो गुरुणाम षष्ठी, गुराव गुरुवो गुरुसु सप्तमी। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः संबोधनम। इसी तरह भानु शब्द है। भानु भानु भानवः प्रथमा, गुरुदेव चलेगा। विष्णु शब्द है। विष्णु विष्णु विष्णुवः प्रथमा। तो हम गा सकते हैं यदि हमें एक शब्द का ज्ञान हो तो। आपने राम शब्द था, आपने उसे कैसे गाया था? राम है रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामै तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामात रामाभ्याम रामेभ्य
रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी रामाद रामस्य रामियो रामाणाम षष्ठी रामे रामियो रामेषु सप्तमी हे राम औ हे रामः संबोधन रमा गाया हमने। कैसे गाया फिर से सोचो एक बार। रमा रमे रमः प्रथमा रमाम रमे रमः द्वितीया रमया रमाभ्याम रमाभी तृतीया रमायै रमाभ्याम रमाभ्या चतुर्थी रमायाः रमाभ्याम रमाभ्या पंचमी रमायाः रमयो रमाणां षष्ठी रमायां रमयो रमासु सप्तमी हे रमे हे रमः संबोधनम। हमने जो है बालक शब्द लिया उसे कैसे गाया। बालक है बालकौ बालकः प्रथमा बालकम बालकौ बालकान द्वितीया बालकेन बालकाभ्याम बालकै तृतीया बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य चतुर्थी बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य पंचमी बालकस्य बालकयो बालकानां षष्ठी बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी हे बालक हे बालक हे बालकौ हे बालकः संबोधनम्। फिर हमने गाया लता का। लता लते लतः प्रथमा लताम लते लतः द्वितीया लतया लताभ्याम लताभी तृतीया लतायै लताभ्याम लताभ्या चतुर्थी लतायाः लताभ्याम लताभ्या पंचमी लताया लतयो लतानां षष्ठी लतायां लतयो लतासु सप्तमी हे लते हे लताः संबोधनम्। गुरु शब्द गाया कैसे गाया फिर से गा के देखो। गुरु हो गुरु गुरवे प्रथमा गुरुम गुरु गुरुन द्वितीया गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी तृतीया गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्या चतुर्थी गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्या पंचमी गुरौ गुरुवो गुरुणाम षष्ठी गुरौ गुरुवो गुरुषु सप्तमी हे गुरु हे गुरुवः संबोधनम्। ऐसी स्थिति में हम शब्द रूप गा करके याद करेंगे तो हमारे जल्दी याद हो सकते हैं। इसे एक बार और गा लें। प्रथमा से लें। गुरु गुरु गुरवे प्रथमा गुरुम गुरु गुरुन द्वितीया गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी तृतीया गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्या चतुर्थी गुरु गुरौ गुरुभ्याम गुरुभ्या पंचमी गुरौ गुरुभ्या गुरुवो गुरुणाम षष्ठी गुरौ गुरुवो गुरुषु सप्तमी हे गुरु हे गुरुवः संबोधनम्। और बेटा इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। शब्दों को याद करने का तरीका भी यही है। ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ें। गुरु शब्द को यहाँ से हटाएं और आगे की ओर बढ़ें भी। चलिए हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखा अब एक नपुंसक लिंग को भी हम ले लेते हैं। यहाँ फल शब्द और ये अकारांत नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग
देखते हैं कैसे कैसे चलेगा ये। फलम फले फलानी प्रथमा, फलम फले फलानी द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलै तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्या चतुर्थी, फलात फलाभ्याम फलेभ्या पंचमी, फलस्य फलयो फलानाम षष्ठी, फले फलयो फलेषु सप्तमी, हे फल हे फले हे फलानि संबोधनम। तो हमने यहाँ देखा आज नपुंसक लिंग का भी एक शब्द हमने ले आए हैं। इसे आज का आपका वर्किंग यही है कि फल शब्द को आप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक जैसा ही है, तृतीया से लेकर के सप्तमी तक राम शब्द की तरह ही है, इसे गुनगुनाने का अभ्यास कीजिएगा। हम कल यहीं से आगे बढ़ेंगे, गुनगुनाएंगे इसको और उन सभी को देखेंगे जिन शब्दों पर आपको दिक्कत आती है। गाओगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जी बिल्कुल राम जैसा ही है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना होगा और प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में राम जैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में जब तक गाएंगे नहीं, क्योंकि इसी शब्द पुस्तक शब्द है, गृह शब्द है, धन शब्द है, ये सारे शब्द फल की तरह ही चलते हैं क्योंकि वो नपुंसक लिंग के हैं। ऐसी स्थिति में लगातार बने रहिए, लगातार जो है अपने आप को मोटिव रखिए। जय हिंद।